Yes, today we are going to study about the new topic known as cephalosporin. And in this we can see the mechanism and several types of generations of the cephalosporin in this lecture. And along with the wide spectrum antibiotics during this discussion. The first we are going to what is the mechanism of cephalosporin, and let's see what will be the मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. जितना भी हम बताएं इसके पहले कि जितना भी बीटा लैक्टम रिंग्स वाले जो स्ट्रक्चर हैं चाहे जो भी एंटीबायोटिक्स है वो नॉर्मली आपका वर्क कहाँ करते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे. मीन्स वो इफेक्ट किसको करते हैं, ट्रांसपेप्टाइडेशन को. अगर ट्रांसपेप्टाइडेशन अगर अफेक्टेड होगा तो इसके चलते क्या नहीं होगा, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा. जब क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा बैक्टीरियल सेल वॉल का, तो बैक्टीरियल सेल वॉल का जब क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा तो उसका जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल का, जो स्ट्रक्चर है सेल वॉल की, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी. इंटीग्रिटी नॉट मेंटेन. जब इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी तो ये बैक्टीरिया जो है नॉर्मली जो ये बैक्टीरिया जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाईली ससेप्टेबल टू हाइपर ऑस्मोटिक बस्ट, और इस बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा. ये है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका. लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसका पांच जनरेशन होता है, जिसमें कि है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन. इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मान लीजिए जो फर्स्ट जनरेशन है, जो सेकंड जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करते हैं तो वो नॉर्मली वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे ये वर्क करता है. ग्राम पॉजिटिव पे ये वर्क करता है, मतलब ग्राम नेगेटिव पे ये ज्यादा वर्क इसका नहीं है. ठीक. और जो सेकेंड जनरेशन होता है वो नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव ये दोनों पे वर्क करता है, और अलोंग विथ एनएरोबिक्स पे भी, एनएरोबिक बैक्टीरिया पे ये वर्क करता है. थर्ड जनरेशन जो है मेनली ज्यादातर ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों और वाइड स्पेक्ट्रम होता है. वाइड स्पेक्ट्रम मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर ये वर्क करता है. लेकिन ये जो सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव तो हम कहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये वर्क करता है वो करता है ग्राम निगेटिव पे एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव. सबसे ज्यादा इसके थेरोपेटिक इफेक्ट जो अपना शो करता है वो होता है ग्राम निगेटिव एज कम्पेयर टू वॉट, ग्राम पॉजिटिव. और द फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये भी नैरो स्पेक्ट्रम है, नॉर्मली ये ज्यादातर वर्क किस पे करता है, ग्राम निगेटिव पे. और जो फिफ्थ जनरेशन है जो अभी रिसेंट में आया है वो नॉर्मली वर्क करता है एमआरएसए पे, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया पे ये वर्क करता है. ठीक. अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन की कुछ हम लोग जानते हैं कि कैसे ये मतलब किसमें हम देंगे और कब देंगे, इसकी क्या फार्माकोकाइनेटिक्स होगी. ठीक. इसके लिए हमें देखना है सबसे पहले तो देखिए कि ये नॉर्मली ये वर्क कहाँ कहाँ किस किस बैक्टीरिया पे ये वर्क करता है फर्स्ट जनरेशन में, और कौन कौन से इसमें ड्रग्स आते हैं. तो अगर इसमें हम ड्रग्स की बात करें तो इसमें आते हैं सिफेजोलिन. ठीक. इसके बाद जो है सिफालेक्सिन हो गए, सिफालोथिन, सिफालोरिडिन. ठीक.
इसमें आता है एक और सीफा ड्रॉक्सिल। ठीक, इसका नाम याद करना, और इतना जो जितना हम लोग जनरेशन पढ़ेंगे इतने मतलब एंटीबायोटिक्स का नाम याद करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको हम कुछ थोड़ा सा अपने तरीके से इसमें देखेंगे कैसे इसको याद किया जाए। ठीक है, तो इसको आगे हम देखेंगे, पहले सब हम लोग ड्रग्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद कुछ ट्रिक निकालेंगे इसके बेसिक पे कि क्या मतलब इसमें ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं आगे। ठीक, और जो थर्ड स्पेक्ट्रम की अगर बात, और फिफ्थ जो है वो सिर्फ MRSA पे ये वर्क करता है। ठीक, जो फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन की, तो इसमें आते हैं मतलब मेनली दो ही इसमें आपको याद करना है, सेफ पीरोम, सेफ पीरोम और द सेफेपिरिम, सेफे पाइम। नॉर्मली हम लोग याद करेंगे सेफ पाइरोम और द सेफे पाइम। ठीक, ये हम फोर्थ जनरेशन में हम याद कर रहे हैं, थर्ड जनरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें हमको याद भी ज़्यादा करना पड़ेगा, जैसे कि सीफोपेराजोन, सेफ ट्राइक्सोन, सेफ ट्राइक्सोन, इसके बाद सीफोटैक्सिम हो गया, इसमें याद कर सकते हैं सीफोपोडॉक्सिम, सिफेक्साइम। ठीक, और जो है हमें फोर्थ सेकंड जनरेशन में याद करेंगे सेफ्यूरोक्साइम, सीफाक्लोर, सीफॉक्सिटिन। ये जो नॉर्मली हम लोग फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, इसका थोड़ा सा अलग से अपना लिस्ट भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन में हम लोग सीफाक्लोर, सिफेड्रॉक्सिल, सिफेलैक्सिन, सिफाड्रीन एंड द सिफाजोलिन, सिफालोथिन एंड द सिफाएपरिन। ठीक, इसमें देखिए सेकंड जनरेशन में ये आपका इंपॉर्टेंट है सिफेप्राजोल, इसके वजह से सेफिरोक्साइम, सेफामेंडोल, सेफोनोसिड, सेफोटिटैन, सिफोक्सिटिन एंड द सिफेरोक्साइम, सिफेक्साइम, सेफोडॉक्साइम एंड द सेफ्टीब्यूटेन एंड द सेफडिनिर, सिफोपेराजोन एंड द सेफ्टोक्साइम एंड द सेफ्टाजाइडीम। और जो फोर्थ जनरेशन में हम लोग सेफेपाइम और द सेफोपाइरोम्स, लेकिन अब इसका कुछ हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं कि कैसे तो हम इसको ही हम याद रखेंगे। इसके लिए आपको समझने के लिए देखिए, इसमें देखिए ज़्यादातर इसमें कॉमन है जो ए आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट विथ ए, इसमें ए आ रहा है, इसको आपको ऐसे याद रखना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन में आ जाता है, जैसे इधर साइड में सेकंड जनरेशन में, ठीक है, और कुछ जैसे इसमें क्या होता है वन, लास्ट में वन है, आइम है और टेन है, जैसे वन आइम और आइम। ठीक, जैसे सेफ्टी ब्यूटेन भी आता है इसमें, सेफ्टी ब्यूटेन, तो अगर टेन आ रहा है तो वो आएगा इसमें ही। इसमें आता है ज्यादातर आपको पाई, फोर जनरेशन में पाई। ठीक, अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं
ये तो हमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन आपको तो थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक। और जब इसका अब हम देखेंगे कि कैसे ये फार्माकोकाइनेटिक्स इसका क्या क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है हमारे बॉडी में, इसके लिए देखिए नॉर्मली हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन थर्ड जनरेशन के बारे में। पहले थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के बारे में, ये नॉर्मली क्या करता है, इस ये वर्क कहाँ कहाँ करता है, ग्राम पॉजिटिव पे भी वर्क करता है, ग्राम निगेटिव पे भी वर्क करता है, और ग्राम निगेटिव वेसिलाई पे भी ये वर्क करता है, और एनएरोबिक्स पे भी वर्क करता है, एनएरोब्स बैक्टीरिया पे। जैसे अगर ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये स्टेफ ऑरियस और स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी पे वर्क करता है, ग्राम निगेटिव की बात करें तो ये गोनोकोकाई पे वर्क करता है, और ग्राम निगेटिव वेसिलाई पे बात करें तो इसमें आता है इंटेरोबैक्टेरिया, ठीक, सिरेशिया, स्यूडोमोनास, और एनएरोबिक्स पे जैसे हम लोग याद कर सकते हैं बैक्टीरियोइड्स। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एनएरोबिक इन्फेक्शन हुआ है लंग्स का, तो उसमें हम ज़्यादातर थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन देते हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम जैसे इंडिया में गवर्नमेंटल हॉस्पिटल हैं, ज़्यादातर इसमें क्या सेफ्ट्रैक्जोन और ये सब यूज किया जा रहा है, वाइड रेंज में इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। और उसकी और कुछ विशेषता हम बताएंगे कि क्यों उसको मतलब सेफ्ट्रैक्जोन को ज़्यादा यूज किया जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स सिफेलोस्पोरिन, इसका कारण हम थोड़ी देर में देखेंगे कैसे और क्यों। अब देखिए जैसे ये थर्ड जो है, लेकिन क्या है ना कि मान लीजिए कि जो थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी है और बहुत सारा मतलब उसका साइड इफेक्ट भी है। जैसे मान लीजिए कि जैसे सिफेक्सिम है, सिफेक्सिम जो ड्रग्स है वो तो नॉर्मली क्या करता है, वो जैसे मेनिंजाइटिस से तो आपका प्रोटेक्शन करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो बीटा लैक्टम ड्रग्स है जैसे कि पेनिसिलिन था और सिफेलोस्पोरिन है, ये नॉर्मली बोन को और मेनिंजेस को ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। लेकिन जब मान लीजिए कि अगर वो इन्फ्लेम्ड हुए हैं तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, तब वो क्या कर सकते हैं, वो एंट्री करते हैं मतलब मेनिंजेस में भी एंट्री करते हैं, और वहाँ पर एंट्री करने के बाद वो अपना थेरोपेटिक इफेक्ट भी शो करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर हम और इसको प्रिवेंशन के लिए भी, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको प्रीफर करते हैं, और प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट मान लीजिए कि अगर मेनिंजाइटिस है, मेनिंजोकोकस इन्फेक्शन है, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, सेफ्ट्रैक्जोन को हम ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे हम दे सकते हैं, जो सेफ्ट्रैक्जोन इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस हम दे सकते हैं किसमें। ये ड्रग ऑफ चॉइस हर किसी में नहीं है, जैसे मान क्यों नहीं है, इसका जो एक और जो बात कह सकते हैं, इसमें नॉर्मली जो है सिप्रोफ्लोक्सासिन भी देते हैं, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन भी ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर द प्रोफाइलेक्सिस। लेकिन क्यों इसको हम फर्स्ट मतलब ड्रग ऑफ चॉइस इसलिए कहा है कि ये नॉर्मली सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है, सबसे अच्छी बात है कि ये ओरल होता है, हर कोई तो मान लीजिए सेफ्ट्रैक्जोन है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है, तो उसको हर कोई तो ले नहीं सकता है, मतलब डरता भी है, और ओरल जो फॉर्म होता है वो अच्छा है और मतलब आसानी से कोई इसको ले सकता है। लेकिन बात क्या है कि जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है वो हम प्रेग्नेंट वुमेन में, और जो मान लीजिए कि जो बच्चे को दूध पिला रही है मदर, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसमें भी हम नहीं दे सकते हैं। तो इसमें जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस चीज़ में है, मान लीजिए अगर फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है चाहे ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसमें हम सिप्रोफ्लोक्सासिन नहीं देंगे। तब अगर इसको हटा दिया जाए, ओरल इफेक्टिव होता है, अगर इस तीनों को हटा दिया जाए, ठीक है, अगर सेफ्ट्रैक्सोन की बात करें तो ये जो है वेल
बहुत अच्छा तरह से काम किस में करता है, प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है और ना ही ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में क्या होता है कि ये ड्रग ऑफ च्वाइस होता है, ठीक है। बाकी सब में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट के लिए, मेनिंजोकोकस इन्फेक्शन के लिए, ठीक। अब बात करते हैं, लेकिन क्या है कि सेफ्ट्राइक्सोन की एक और विशेषता है कि मान लीजिए कि आप का मान लीजिए कि जो मैक्सिमम सिफेलोस्पोरिन है वो क्या है ना कि रीनल, अगर कोई रीनल प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, रीनल डैमेज है, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और जो सेफ्ट्राइक्सोन है चाहे सेफोपेराजोन है, तो ये नॉर्मली जो है, बात करते हैं सेफोपेराजोन और सेफ्ट्राइक्सोन, ये जो दो है वो नॉर्मली क्या होता है, बाइल सिक्रेटेड सिफेलोस्पोरिन होता है। तो आप इसको अगर रीनल फेल्योर पेशेंट है चाहे रीनल जो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है उसमें हम इसको दे सकते हैं। और इसको देने से एक और जो मतलब मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है सेफ्ट्राइक्सोन का, अगर एक्सेसिव हम दे रहे हैं इसको सेफ्ट्राइक्सोन को, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि अगर इसका डोज है अगर ज़्यादा हम कर दें, 2 ग्राम पर डे, मोर देन 2 ग्राम पर डे अगर हम कर दें, तो इस दौरान में ये क्या करेगा, एक डिजीज कॉज करता है जिसको कहते हैं बिलियरी स्लजिंग सिंड्रोम। और ये बिलियरी स्लजिंग सिंड्रोम और चाहे कोललिथियासिस भी कर सकता है, और कोललिथियासिस भी ये कॉज कर सकता है। तो जिसके कारण क्या है कि उसमें मतलब हम लोग इसका डोज एडजस्टमेंट इस दौरान हम करेंगे, ठीक है। जब ऐसा मान लीजिए कि बिलियरी स्लज सिंड्रोम हो गया चाहे कोललिथियासिस हो गया, तो इस चीज़ को हम प्रॉपर मतलब इसका मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अब बात करते हैं जैसे कुछ जो ड्रग्स है जो इसी ग्रुप के हैं जो कि क्या करते हैं कि मतलब सीडोमोनास के अगेंस्ट भी ये वर्क करते हैं। मेनली जो इसमें एक और पहले देखते हैं कि वाइड स्पेक्ट्रम जो बात कर रहे थे, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अगर नाम याद करें तो हम याद किए थे एसीटी मैप, ए फॉर याद किए थे हम लोग एमोक्सिसिलिन और एम्फिसिलिन, और सी फॉर कार्बेंसिलिन, और टी फॉर टिकार्सिलिन, और एम फॉर मेजलोसिलिन, ए फॉर एजलोसिलिन, और पी फॉर पीपरासिलिन। ये जो ए है वो एमाइनो पेनिसिलिन है, और सीटी जो है वो कार्बोक्सी पेनिसिलिन है, और मैप जो है वो यूरिडो पेनिसिलिन है। ये नॉर्मली यूरिडो पेनिसिलिन है। तो जो हम कार्बोक्सी और यूरिडियो जो है वो नॉर्मली वर्क करता है सीडोमोनास के अगेंस्ट। तो ये होते हैं एंटी सीडोमोना ड्रग्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एंटी सीडोमोनाल ड्रग्स है ये एमाइनो पेनिसिलिन वर्क नहीं करता है, एमोक्सिसिलिन लाइक एम्फिसिलिन ये सब वर्क नहीं करता है। लेकिन एक और कह सकते हैं इसमें कौन से ड्रग्स वर्क नहीं करता है, तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैंकोमाइसिन। यहाँ पे वैंकोमाइसिन ये वर्क नहीं करता है, इफेक्टिव नहीं होता है किसके अगेंस्ट, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट सीडोमोनास। ये सीडोमोनास के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण क्या होता है कि सीडोमोनास में जब जैसे ये मान लीजिए ड्रग्स गया, ठीक है, तो इसमें जो सीडोमोनास एक कंटेन करता है इफ्लक्स पंप। सीडोमोनास में क्या होता है इफ्लक्स पंप, और ये इफ्लक्स पंप क्या करता है उसको, और इफ्लक्स पंप एक्चुअली होता क्या है अगर ये हम बात करते हैं,
तो ये होता है नॉर्मली ए प्रोटीनियस ट्रांसपोर्टर जो होता है, जो कि उसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में लगा होता है। एक टाइप का क्या है ये प्रोटीनियस ट्रांसपोर्टर, जो कि कहाँ है, लोकेटेड इन सेल मेम्ब्रेन में इसके लगे होते हैं। ठीक, तो ये जो है नॉर्मली जो हम पढ़े हैं अभी, वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडियो पेनिसिलिन, और इसमें भी बताया है कि कार्बोक्सी और यूरिडियो जो है वो नॉर्मली एंटी स्यूडोमोनल ड्रग्स होता है, लेकिन वेंकोमाइसिन जो होता है ये वर्क नहीं करता है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जो थर्ड स्पेक्ट्रम जो है, थर्ड जनरेशन जो सिफेलोस्पोरिन है, वो जैसे कि फ्लोरोक्विनिलॉन्स के बारे में जब पढ़ेंगे उसमें कि कोलेट्रल डैमेज करता है, तो इसकी भी साइड इफेक्ट है कि ये कभी कभी क्या करता है, कोलेट्रल्स डैमेज करता है। और जब अब बात करते हैं थोड़ा सा सेकेंड जनरेशन की, तो सेकेंड जनरेशन क्या होता है कि हम तो पहले बताएं कि मतलब ये ज़्यादा वर्क कहाँ करता है, ग्राम निगेटिव में एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव, तो इस और एनएरोबिक्स में भी वर्क करता है, बट एनएरोबिक्स में ये इसको हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें नहीं देंगे, क्योंकि क्या होगा कि बहुत सारे रेजिस्टेंस भी ये गेन कर चुका है। और जो बात करते हैं ग्रुप वन जो फर्स्ट जनरेशन, तो ये नॉर्मली आपको प्रोटियस, इकोलाई कह सकते हैं, प्रोटियस बैक्टीरिया, इकोलाई में ये, और चाहे क्लिप्सेला निमोनिया में भी ये वर्क करता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे इसमें जो सिफेलोस्पोरिन है वो नॉर्मली अगर जो पर्सन है मान लीजिए अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक पर्सन में इसको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, अल्कोहलिक पर्सन में नॉट रिकमेंडेड होता है। और वो क्यों, क्योंकि ये डाइसल्फ्राम लाइक रिएक्शन देता है, डाइसल्फ्राम लाइक रिएक्शन, और डाइसल्फ्राम लाइक रिएक्शन देता है, तो हम उसको अल्कोहलिक पेशेंट में नहीं देंगे। तो वो होता है नॉर्मली दो ड्रग आपको यहाँ पे याद रखना है, इसमें सिफोपेराजोन याद रख लीजिए, सिफोपेराजोन, सिफोपेराजोन, और एक होता है सिफोमेंडोल, सिफो मेंडोल। ठीक, तो ये जो है नॉर्मली पूरा हम इसके बारे में हम देखें। अब कुछ थोड़ा सा इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, कॉमन फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम देख लेते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन। इसमें समझिए जैसे हम पढ़े थे, ये नॉर्मली जो हम इसको मतलब देते हैं वो आईवी चाहे आईएम रूट से भी दे सकते हैं, और अब तो मान लीजिए ज़्यादातर ओरल रूट में भी ये प्रेजेंट होता है, मतलब ओरली भी ये ड्रग्स अवेलेबल है। अब पहले जैसे कि पेनिसिलिन जी था वो ओरली हम लोग, दिक्कत क्या था कि जब उसको हम ओरल दे रहे थे, ठीक, तो वो क्या है कि एसिड लेवाइल था, और जैसे ही हमारे स्टोमक में जाता था, स्टोमक में जो एसिड है एचसीएल है वो उसके क्या करता था, अमाइड बॉन्ड को, जो बीटा लैक्टम के अमाइड बॉन्ड को वो ब्रेक कर देता था। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी कुछ ऐसे बने हैं जिसमें ड्रग्स को मॉडिफाई किया गया है सिफेलोस्पोरिन को, जो कि वो मतलब एसिड रेजिस्टेंस भी होते हैं, एसिड में ये अच्छा तरह से वर्क करते भी हैं। तो इसको हम दो रूट मेनली इसका हम दो रूट देते हैं, दो रूट से, एक होता है आईवी और आईएम। अब ओरल में भी क्या है अवेलेबल है। ठीक, दूसरा जो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर बात करते हैं कि बॉडी में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बहुत अच्छा से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे शरीर में, लेकिन क्या है कि वो हमारे जैसे कि सीएसएफ में भी ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये क्रॉस कर जाता है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं इसके सिफेलोस्पोरिन के वो भी क्रॉस करते हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अगर ज़्यादा अगर एंट्री करते हैं, थेरोपेटिक इफेक्ट तो इसका कम मतलब मिनिमम अपना थेरोपेटिक इफेक्ट शो कर देता है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो सिफेलोस्पोरिन के जब वो एंट्री करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है। ठीक है, वो सीजर डेवलप कर सकते हैं आपको, इसलिए कभी कभी क्या होता है, पेनिसिलिन में भी पढ़े थे कि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जैसे इपिलेप्टिक पेशेंट में, क्यों, क्योंकि वो गैबार्जिक न्यूरॉन्स को वो क्या कर दे रहे हैं, इनहिबिट कर दे रहे हैं, जिसके कारण कि हमको वो जो ड्रग्स है इपिलेप्टिक पेशेंट में हमें नहीं देना है। और जो बात करते हैं कि जितने भी सिफेलोस्पोरिन है वो तो आपको जो बात कर रहे थे प्लेसेंटा,
प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाते हैं, जैसे इसके पहले भी पढ़े थे पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन में भी क्या है कि वो भी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था और वो भी क्या कर रहा था कि क्रॉस कर जा रहा था प्लेसेंटा को भी, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मतलब इन लोगों में टेराटोजेनिक इफेक्ट ये शो नहीं करता, मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट इसका नहीं है। और जैसे कुछ जैसे मान लीजिए कि इसमें CSF में अगर ये अच्छी तरह से थेरोपेटिक इफेक्ट शो करता है तो क्या होता है कि कुछ ऐसे जैसे ड्रग्स हैं जैसे कि हम बात कर सकते हैं सिफ्ट्राइक्सोन, सिफ्ट्राइक्सोन जो है ठीक, और बात करते हैं सिफोटैक्सिम, सिफोटैक्सिम, तो ये जो है ड्रग्स नॉर्मली क्या करता है कि अगर बच्चे मतलब नियोनेट्स को और चाहे चाइल्डहुड में, नियोनेटल और चाइल्डहुड में क्या हुआ है कि आपको मेनिंजाइटिस हो गया है, ठीक है, तो उस मेनिंजाइटिस लेकिन किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, एच इन्फ्लुएंजे द्वारा, अगर ये मेनिंजाइटिस होता है एच इन्फ्लुएंजे द्वारा, तो इसके अगेंस्ट भी ये अच्छा तरह से ये वर्क कर सकते हैं ये सिफेलोस्पोरिन, ठीक। और जब बात करते हैं एक और ड्रग्स पढ़ते हैं जैसे कि हम लोग टाइप फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में, इसमें हम लोग पढ़े थे सिफेजोलिन, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है सिफेजोलिन, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि मान लीजिए जब हमें मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट को हम तैयार कर रहे हैं ओटी के लिए, ऑपरेशन के लिए, जैसे कि उसको समझ सकते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स कोई सर्जरी है चाहे कोई भी अगर जैसे सर्जरी है, तो उसके पहले हम प्रोफाइलेक्सिस, इसको प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे हम ये मतलब सिफेजोलिन का इंजेक्शन लगाएंगे, जिसके कारण क्या होता है कि अगर कोई बोन के जो है ऑर्थोपेडिक सर्जरी है तो वो नॉर्मली हर जैसे पढ़े थे कि पेनिसिलिन है चाहे सिफेलोस्पोरिन है वो नॉर्मली बोन को ये क्रॉस नहीं करते हैं जब तक वो इन्फ्लेम्ड ना हो, लेकिन ये एक ऐसा ड्रग्स है सिफेलोस्पोरिन है कि जो कि हम इसको दे सकते हैं और ये बोन को क्रॉस करता है, बोन के मेम्ब्रेन को क्या करता है ये क्रॉस करता है, एबिलिटी टू पेनेट्रेट बोन, बोन को ये पेनेट्रेट कर सकता है, बोन में जा सकता है, तो इसलिए हम इसको प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।